गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग। मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो कॉजेटिव एजेंट था बेटा वो क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वैसे ही लेप्रेसी में जो कॉजेटिव एजेंट है बेटा वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यानी यहाँ पर भी माइकोबैक्टीरियम वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर भी माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो मैं टीबी वाले ड्रग में आपको बता दिया हूँ कि माइकोलिक एसिड जो है माइकोबैक्टीरियम, यहीं से हमने ट्रीटमेंट अप्रोच देखे थे, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस देखे थे जिसमें हमने कुछ एंजाइम्स को देखे थे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिस्कस किए थे और फर्स्ट लाइन ड्रग के सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर किए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को आपको फिर से यहीं पे अप्लाई करना है बेटा, लेप्रेसी में भी अप्लाई करना। बस यहाँ पर एक वेरिएशन देखने को मिलेगा कि वहां पर सिम्टम्स कफ, फीवर, नाइट स्वेट या वेट लॉस के जैसा सिम्टम्स दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर लेप्रेसी के केस में सिम्टम्स जो होगा बेटा वो व्हाइट पैचेस हो जाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन। जो एक्सटर्नल स्किन है बेटा उसमें आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगर हम लेप्रेसी की बात करें बेटा तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज पाउसी बैसिलरी एंड मल्टी बैसिलरी। पॉसी बैसिलरी का मतलब है वो माइकोबैक्टीरियम जो माइनर लेवल पे, मतलब मेजर लेवल पे, क्रोनिक लेवल पे ये डिजीज कॉज ना करे, ये लेप्रेसी कॉज करे लेकिन माइनर लेवल पे हो, वो पॉसी बैसिलरी होगा बेटा। लेकिन अगर मल्टी लेवल पे हो रहा है बेटा, क्रोनिक लेवल पे हो रहा है, मेजर लेवल पे हो रहा है, तो वहां पर कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा, मल्टी बैसिलरी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे इसी लिखा है, इसलिए लिखा है कि अगर माइनर लेवल पे अगर लेप्रेसी हो रहा है बेटा तो उस समय ड्रग हम यूज करेंगे रिफैम्सिन और डैप्सोन। कौन सा ड्रग यूज करेंगे, रिफैम्सिन एंड डैप्सोन फॉर 6 मंथ। जैसे हम लोगों ने टीबी के केस में यूज किया था, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। हम लोगों ने टीबी के केस में देखा था कि रिलैक्सेबल टीबी में 12 मंथ के लिए ट्रीटमेंट रहेगी और जो फर्स्ट टाइम अगर पेशेंट को टीबी हुई है तो 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा। तो वैसे यहाँ पर अगर माइनर यानी पॉसी बैसिलरी यहाँ पर लेप्रेसी देखने को मिल रही है तो उस केस में हम 6 मंथ का ट्रीटमेंट करेंगे और उसमें हम रिफैम्सिन ड्रग और डैप्सोन ड्रग क्या देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। रिफैम्सिन का जो डोज होगा बेटा वो 600 mg पर मंथ होगा, यानी एक महीने में 600 mg रिफैम्सिन का डोज जाएगा और डैप्सोन लगभग 100 mg पर डे आपको देना होगा। अगर मेजर लेवल पे लेप्रेसी हुआ है, क्रोनिक लेवल पे अगर लेप्रेसी हुआ है, उस केस में हम ड्रग यूज करेंगे रिफैम्सिन डैप्सोन। इन दोनों का डोज सिमिलर होगा बेटा, 600 mg पर मंथ, डैप्सोन 100 mg पर डे। बस यहाँ पर एक और ड्रग ऐड हुआ बेटा क्लोफाजिमिन, और इसका जो डोज होगा वो क्या होगा, 50 mg पर डे होगा और ये टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो कितने मंथ का होगा, 12 मंथ का होगा। तो देखिए टीबी के केस में भी दो ट्रीटमेंट अप्रोच था, एक था फॉर 6 मंथ और एक था फॉर 12 मंथ। 12 मंथ किसके लिए था, क्रोनिक लेवल पे, रिलैप्सेबल लेवल पे और माइनर लेवल पे। जो फर्स्ट टाइम किसी पेशेंट को हुआ था उसमें क्या था भाई, 6 मंथ का था। लेकिन यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम पेशेंट और रिलैप्सेबल पेशेंट को ना देखते हुए यहाँ पर माइनर और मेजर दो कैटेगरी में लेप्रेसी को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। माइनर अगर होती है तो 6 मंथ की ट्रीटमेंट हमें रिफैम्सिन और डैप्सोन ड्रग को देना होगा, और अगर मेजर पे है तो रिफैम्सिन, डैप्सोन और क्लोफाजिमिन हमें ड्रग यूज करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है, नॉर्मल सा पॉइंट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा लेकिन इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमने यहां पर दो ड्रग देखा, यहां पर भी फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग देखा है। फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब है वो ड्रग जिनकी एफिकेसी ज्यादा होगी लेप्रेसी के केस में, जिनको मोस्टली यूज किया जाएगा लेप्रेसी के केस में, वो फर्स्ट लाइन ड्रग होंगे, और जिनकी एफिकेसी कम होगी दूसरे ड्रग के कंपेयर में वो कहां पर रखे गए हैं, सेकंड लाइन ड्रग में रखे गए हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में बेटा सल्फोन कैटेगरी का डैप्सोन, फेनाजिन डेरिवेटिव, क्लोफाजिमिन जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी इसके पास है, मैं ड्रग लेवल पॉइंट में बताऊंगा आपको। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिफैम्सिन, इथायोनामाइड, ये दोनों ड्रग है बेटा। सेकंड लाइन ड्रग में फ्लोरोक्विनोलोन का ड्रग है, ओफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, मिनोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेरफ्लोक्सासिन, स्पेरफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सारे ड्रग क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए बेटा तो देखिए सल्फोनामाइड के जो डैप्सोन है ये क्या होगा बेटा, सेम एज
सल्फोनामाइड, जो सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी वीडियो अभी मैंने नहीं डाला है। सल्फोनामाइड क्या होता है बेटा, ये है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के साथ इंटरफेयर करता है, या तो हम बोले न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करता है, या तो हम इसको बोले डाइहाइड्रेट फॉरेट सिंथेज और रिडक्टेज एंजाइम्स को के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो यहां पर वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा बेटा जो किसका है, सल्फोनामाइड का है। चलिए फेनाजिन डेरिवेटिव क्लोफाजिमिन की अगर हम बात करें, तो क्लोफाजिमिन का मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा बेटा, इट इनहिबिट डीएनए टेम्पलेट बाय इंटरफेयर नाइट्रोजन 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन। ये गुआनिन के 7 पोजीशन पे जाकर के डीएनए टेम्पलेट को क्या करता है, इंटरफेयर करता है। जब आपने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़े होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा डीएनए टेम्पलेट का जो रोल होता है, तो उसके नाइट्रोजन के 7 पोजीशन पे जाकर के ये क्या करेगा बेटा, गुआनिन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि डीएनए टेम्पलेट को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को भी क्या करता है बेटा, डिसरप्ट करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोफाजिमिन का जो आगे यहां पे मैंने लिखा है वो आपको मेंशन किया गया है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिफैम्पसिन बेटा आपको मालूम है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, मैंने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पहले ही बता दिया हूं। ट्यूबरकुलोसिस में इथायोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा, इथामिथोल वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, इसे मैंने आपको बताया था कि एराबिनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर के रूप में ये क्या होंगे, ड्रग यूज होंगे। फ्लोरोक्विनोलोन का जो भी कैटेगरी का ड्रग है बेटा, दीज ऑल आर टोपोआइसोमेरेज 1 टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इनहिबिटर, ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करता है। तो ये सारे ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक ड्रग था क्लोफाजिमिन जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें क्या देखने को मिला, नहीं देखने को मिली है, बाकी सभी के सभी क्या है बेटा, हम ऑलरेडी उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं बोला कि बहुत ही छोटा चैप्टर है क्योंकि हम ऑलरेडी इन ड्रग को क्या कर चुके हैं, कहीं दूसरे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी जब भी मैं आपको इस चैप्टर्स की जब मैं वीडियो बना करके डालूंगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, श्योर क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं ड्रग रिलेटेड पॉइंट पे, तो ड्रग रिलेटेड पॉइंट की बात की जाए बेटा, तो लेप्रोस्टैटिक ड्रग क्लोफाजिमिन फर्स्ट ड्रग है, इट में भी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, ये क्लोफाजिमिन ड्रग लिखा हुआ है, क्लोफाजिमिन इज द लेप्रोस्टैटिक ड्रग, ये लेप्रोस्टैटिक ड्रग है, ये साइडल ड्रग नहीं है, लेप्रेसी को 100% किल नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ को केवल क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इट इज लेप्रोस्टैटिक ड्रग, इनहिबिट डीएनए टेम्पलेट बाय इंटरफेयर नाइट्रोजन 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन एंड डिसरप्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये नाइट्रोजन 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन पे जाकर के डीएनए टेम्पलेट को इनहिबिट करता है, साथ में ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को भी ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है। इसके अलावा यहां पर सेकंड पॉइंट है, इट हैज आल्सो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ये एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी यूज होता है बेटा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फेनाजिन रिंग प्रेजेंट है, फेनाजिन डेरिवेटिव है, तो इसके पास एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ साथ एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, इसलिए ये ड्रग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो ही पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट रिफैक्शन की बात की जाए बेटा, तो मोस्ट पोटेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसाइडल एक्टिविटी, ये देखो रिफैम्पिन या तो रिफैम्सिन दोनों सेम ही ड्रग है बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना, रिफैम्पिन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने रिफैम्सिन लिखा, यहाँ पर भी रिफैम्पिन है, इसे अगर हम चाहें तो रिफैम्सिन भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही ड्रग है ना। तो रिफैम्सिन हमने ट्यूबरक्लोसिस में यूज किया था ड्रग को, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, इसके पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसाइडल एक्टिविटी भी है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी को किल करने की भी इसके पास क्या है, पोटेंसी, और वो भी क्या है, मोस्ट मैक्सिमम है। चलिए यानी पोटेंट ड्रग है ये, रिफैम्सिन से रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना। थर्ड वन इज डैप्सोन, इट इज सल्फोनामाइड विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट, जो भी सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट है जैसे मिथाइलोग्लोबुलिनिया वगैरह, जो एडवर्स इफेक्ट था स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम था, रिनल डिसऑर्डर था, ये क्रिस्टल यूरिया फॉर्मेशन, जितने भी सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट था बेटा, वो सारे एडवर्स इफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा, किसको, डैप्सोन को। लेकिन डैप्सोन यूज कहां पर होगा, लेप्रेसी में यूज होगा। फ्लोरोक्विनोलोन की अगर बात की जाए तो ओफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन एंड स्पेफ्लोक्सासिन हैज मैक्सिमम एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कहने का मतलब है कि ये फ्लोरोक्विनोलोन की कैटेगरी में, मैं इन सब ड्रग की बात नहीं कर रहा हूं, केवल फ्लोरोक्विनोलोन की कैटेगरी में ओफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन और स्पेफ्लोक्सासिन के पास मैक्सिमम एक्टिविटी होगा, केवल फ्लोरोक्विनोलोन की बात हो रही है, दूसरे ड्रग को यहां पर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बट सिप्रोफ्लोक्सासिन हैज पुअर एक्टिविटी, जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है इसके पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से रिलेटेड अगेंस्ट इसकी बहुत ही पुअर एक्टिविटी है, बाकी जो मैंने ओफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, स्पेफ्लोक्सासिन ड्रग का एग्जांपल दिया था क्लोरोक्विनोलोन
एंटीबॉडीज का उनके पास मैक्सिमम एक्टिविटी होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लास्ट पॉइंट है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स इन फ्लोरोक्विनोलोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो उनकी एडवर्स इफेक्ट है वो सेम आपको यहां पर भी क्या करना है याद रखना है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था बेटा लेप्रेसी, बस हमें याद रखना था लेप्रेसी कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और माइकोबैक्टीरियम से हमें याद रखना है कि यहाँ पर टीबी वाले भी ड्रग यूज होंगे, हमने यहाँ पर रिफैक्सिन और इथेनामाइड दोनों ड्रग यूज किए और दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने टीबी में देख चुके थे। इसके अलावा यहाँ पर एक क्लोफाजिमिन एक नई ड्रग फेनाजिन डेरिवेटिव को देखने को मिला जो डीएनए टेम्पलेट को टारगेट करता है नाइट्रोजन 7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन पे जाकर के बाइंड करके, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भी क्या करता है डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर माइनर लेवल पे जब हम टीबी की बात करें तो टीबी में मैंने बताया आपको कि टीबी के केस में हमें याद रखना है कि या तो न्यू पेशेंट होंगे या तो रिलैप्सेबल पेशेंट होंगे। न्यू पेशेंट के लिए 6 मंथ हमने दिया था ऑल ड्रग और फर्स्ट लाइन ड्रग, और इसके अलावा एचआर 4 मंथ के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलैप्सेबल के केस में तो वहां पर हमने 12 मंथ के ट्रीटमेंट डोज दिए थे, लेकिन हम जब लेप्रेसी की बात करें तो यहां पर पाओ बैसिलरी यानी कि माइनर और एक हमारे पास क्या बेटा मल्टी बैसिलरी यानी कि क्रोनिक और मेजर लेवल पे। मेजर लेवल पे अगर होगा बेटा तो 12 मंथ का कोर्स चलेगा ट्रीटमेंट का, और अगर माइनर लेवल पे होगा तो 6 मंथ का क्या चलेगा कोर्स चलेगा। और ड्रग का डोज क्या होगा तो रिफैक्सिन 600 mg पर मंथ दोनों के केस में यूज होंगे, डैप्सोन 100 mg पर डे दोनों के केस में यूज होंगे, और यहाँ पर क्लोफाजिमिन जो ड्रग है बेटा वो 50 mg पर डे क्या होंगे यूज होंगे। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जहां तक मुझे लगता है ये पूरी फार्माकोलॉजी में जो लेप्रेसी जो हमारा चैप्टर है बेटा तो लेप्रेसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट एटलीस्ट आप याद रखें, और इसके अलावा आप एक बार जरूर क्रेडिट रिपोर्टिंग की बुक प्रीफर करें, और आपको अगर लगे कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप उसको एक बार जरूर अपने नोटबुक में ये करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप फार्मास पेरेंट को देखते रहिए। थैंक यू।